मंजिलें हो चाहे जितने पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। 12 साल पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से 10 ब्लॉक में बने एमक्यू कॉलोनी एसीसीएल प्रबंधन ने 200 क्वार्टर बनाई, जिसमें 100 से अधिक क्वार्टर में 500 करीब लोग निवासरत हैं। रहवासियों ने बताया कि एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा लीपापोती कर प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए डकार जाते हैं, जिसके कारण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। खामियाजा कई परेशानियों से लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एसीसीएल कर्मी रघुनाथ राजवाड़े, ललन साके दल्लूराम, विष्णुराम राजवाड़े, भूखनाथ राजवाड़े, विजय देवांगन, रामचरण विश्वकर्मा, रामकेश्वर सिंह और बुधराम राजवाड़े सहित अन्य लोगों ने समस्या को लेकर कई बार मुद्दा उठाया। एसीसीएल के अफसरों को 10 सालों में सैकड़ों बार दफ्तर में जाकर सुनाई जा चुकी है, जहां कॉलोनी रहवासियों को आश्वासन देकर भगा दी जाती है। वर्षों बीत गई, एसीसीएल के अधिकारी न प्रबंधन ने एमक्यू कॉलोनी की समस्या को ध्यान दे पाई और न ही कॉलोनी में बरसात के दिनों में क्वार्टर में जाने वाली मार्ग चलने लायक नहीं रहती है, जिसे कई एसीसीएल कर्मियों ने आपसी चंदा करके मुरम गिरवाई तब कहीं चलने लायक हुई है। प्रबंधन ने लाखों रुपए बजट सेंक्शन कर कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट लगवाई, देखरेख के अभाव में वर्षों पूर्व खराब हो गई है। प्रत्येक क्वार्टर में पानी सप्लाई हेतु पाइपलाइन टूट फूट कर पड़ी हुई है, जिसकी मरम्मत करने हेतु अनेक बार गुहार लगाई फिर भी नहीं हो सकी है। 200 क्वार्टर में से सैकड़ों क्वार्टर के दरवाजे टूट गई है, मरम्मत का नाम नहीं है। कई क्वार्टरों में लगे सिंटेक्स चोरी हो गया है, साथ ही अनेक सिंटेक्स टूट भी गई है। यूनियन श्रमिक नेता अजय विश्वकर्मा, एमएस मरकाम, अनिल जायसवाल, प्रेमचंद सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि मामले को लेकर प्रबंधन को कई बार अवगत भी कराया गया है, जिसके बाद एसीसीएल के आला अधिकारी पैसा खफाने के लिए मौके पर पहुंचकर लीपापोती करके बंदर बात कर ली है। हनन की जा रही है। आपका क्या नाम पड़ेगा? ललन राम। आप कब से एसीसीएल में काम कर रहे हैं? 84 से कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए एसीसीएल की तरफ से आप लोग के सुविधा के लिए क्या क्या यहाँ किया गया है और क्या क्या परेशानी से आप लोग भुगत रहे हैं? यही तो भुगत रहे हैं, रोड नहीं है, लाइट बिताया जाता है वो अभी नहीं है। रिपोर्ट देते हैं जाके तो बोलते हैं कि रुको रुको, हो जाएगा बाबा, हो जाएगा, भेजेंगे भेजेंगे, ऐसे ही कहते हैं अधिकारी लोग। और सफाई उफाई नहीं होता है, नल में नाली में एकदम कीड़ा उड़ा सब पड़ रहा है, कोई सफाई उफाई देख भला नहीं कर रहे हैं। तो क्या नाली का छिड़काव वगैरह सफाई के लिए कुछ नहीं, मैनेजमेंट आता है ये सब नहीं कराते हैं क्या? नहीं, आबे नहीं करते हैं इधर। आप इस विषय को लेकर आप लोग संगठन के रूप में या फिर एसीसीएल कर्मी की तरफ से लिखित शिकायत एक आध बार दिए हैं क्या? नहीं, लिखित तो नहीं दिए हैं, जाके रिपोर्ट देते हैं सर। अच्छा, तत्काल रूप से एसीसीएल के अधिकारियों के आप साक्षात मौके पे जाके वस्तुस्थिति का जायजा लेते हैं जी, और जायजा लेने के बाद में उस रिपोर्ट पेश करते हैं, समस्या का समाधान नहीं करते हैं जी, वही बात है सर। 2002 से रह रहे हैं यहाँ, किस किस प्रकार से एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा में सुविधा मुहैया कराया गया है और क्या क्या सुविधाओं का लाभ आप लोगों को मिल रही है और क्या क्या समस्याएं आ रही है? हम लोगों को भी यहाँ ये है कि क्वार्टर बना दिया गया, लाइट बत्ती बना दिया और नल पानी के लिए बना दिया, उसके बाद जो भी टूट फूट है कोई मतलब नहीं है, अपना हम किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो क्या समस्या होने के बाद में एसीसीएल के अधिकारियों को आप लोग अवगत नहीं कराते हैं क्या? नहीं, एसीसीएल में हम लोग क्या है अधिकारी को बोलते हैं, लेकिन अधिकारी बोलते हैं कि ठीक है, देखेंगे, उसका समस्या हल हो जाएगा। एसीसीएल कंपनी की ओर से प्रत्येक साल मैनेजमेंट जो बनती है, जो कॉलोनी वासी में रहने वाले लोगों के समस्या के समाधान के लिए जो व्यवस्था की जाती है, क्या उसका लाभ यहाँ आप लोगों को नहीं मिल पाती है? नहीं मिल पाता है। अच्छा, क्या क्या प्रमुख रूप से परेशानी यहाँ बनी हुई है, इतने विस्तार से बताएंगे? देखिए, यहाँ नल सफाई नहीं है, रोड नहीं है, हमारे लेटरिन बाथरूम पूरा टूट रहा है, केवाड़ी फ्याड़ी सब टूट रहा है, आपका लाइट फाइट सब टूट फूट रहा है, कोई यहाँ नहीं है देखभाल। अभी के डेट में कितनी जनसंख्या है? अभी के डेट में जनसंख्या यहाँ 100
सौ होंगे। हमन बरसात में रहे में हमन ढेर तकलीफ होते, हमन कहीं बाहर में अंते घर जाए के रहा हो जाते, हमर में ढेरे सुतली भी पानी मार जाए, क्यों मन जमा टूट फूट के बाथरूम मन सब मन हाँ टूट गिसा है, हमारे को गोठा नहीं है बढ़िया, और टंकी मन है ऊपर का टूट गिसा है, और छत हर जमा है घिरल पानी हमार जाए, हमार छत हर ढेरे चुहेल और ऊँचेर ऊँचेर बिगावत है, और का कथे कि ये बाथरूम ला जाम है खुला है वाला उसने पैर रख, और अगल बगल में ढेरे गंदगी है, एक नली है सामने में, Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध, जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज, Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटरतला, रायपुर।